सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गाइस। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और खतरनाक और तूफानी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बन जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। ऐसा मैं क्यों बोला कि तूफानी होने वाला है, तो ये है गाइस सौरभ जोशी की पोर्स है। ये कैसे आया, कब आया, ये आप लोग मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हो। देखो ये जो अभी सौरभ जोशी की जो पोर्स है ये भी मेरे पास है। तो गाइस हम इसके साथ करने वाले हैं ऑफ रोडिंग। जी हाँ गाइस, मुझे पता है सुपर कार है बट मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ भाई। यही तो जलवाया अपना, इसीलिए गाइस हम यूनिक कहलाते हैं लोगों से, जैसे कि देख सकते हो भाई, मैं क्या ही बोलूँ। तो चलो फिर हम लोग ऑफ रोडिंग पे चलते हैं और हम लोग जाने वाले माउंट चिलाडू, वो जो सामने आप देख रहे हो ना पहाड़ गाइस, हम उस पे जाने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। ये वीडियो सौरभ जोशी तक नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि भाई सौरभ जोशी मेरा भूत बना देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये देखो भाई, एक ड्रिफ्ट मारते हुए हम, कितना खतरनाक भाई। ये इतनी मस्त कार है ना भाई, इतनी मस्त कि मैं क्या ही बताऊँ, उसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो गाइस आई थिंक ये 4x4 है, ये मुझे जहाँ तक लगता है गाइस कि ये 4x4 है, क्योंकि आप लोग खुद देखो, मैं थ्रोटल दूंगा उसको, देखना 1 2 3। ये देखो गाइस ये 4x4 ही है। मुझे तो लगता नहीं है कि पोर्शे 4x4 भी आती होगी, पोर्शे बॉक्सटर जो भी है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा ये 4x4 है कि क्या है। तो चलो अभी हम लोग सिंपली पहुँचने वाले हैं ऑफ रोडिंग पे अपने, और लगभग इधर से 1.5 किलोमीटर के आसपास है हमारा रास्ता। और टनल पे गाइस हम लोग फुल स्पीड में भगाएंगे टनल में। ये देखो, देख सकते हो भाई 170-180 कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब वो बस 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 भाई रुक जा। अगर टनल और बड़ी होती ना भाई, इसमें मैं 200 आराम से टच कर देता। चलो अब फालतू बातें छोड़ते हैं और हम लोग अपने वे पे चलते हैं। और ये देखो अब भाई आ चुका है पूरा खतरनाक सा रास्ता। अब इधर गाड़ी बचा के चलानी पड़ेगी हमें, देख सकते हो भाई क्या ही बोलूँ मैं। अब इसके एक बार सस्पेंशन तो देखो, थोड़ा सा इधर तो स्पीड में बनता है। ये देखो भाई कितनी स्मूथ तरह से चढ़ी, लगी नहीं रही है कि भाई ये सुपर कार है। देख सकते हो भाई, ये तो यार फॉर्चुनर या एसयूवी के टक्कर में हो चुकी है ये गाड़ी। आराम से भाई, आराम से बचा के चलानी होगी इसे। अरे अरे भाई भाई भाई, बस बस गाइस, अभी छोटी सी गलती की वजह से हमारी पूरी गाड़ी नीचे आ चुकी है। तो हम इसे ऊपर लेके जा रहे हैं भाई, अभी फील ही नहीं हो रहा कि लिटरली जा रहे हैं। मैं क्या ही बताऊँ, फील नहीं हो रहा कि इतनी स्मूथ गाड़ी चल रही है, क्या ही बताऊँ मैं भाई। एक बार को फॉर्चुनर को टक्कर दे दे, फॉर्चुनर भी इसके पीछे फीका पड़ जाएगा इसके सामने। बस भाई ज़्यादा आगे करेंगे तो नीचे चले जाएंगे, कुछ ज़्यादा नीचे। और लिटरली गाइस देख सकते हो कितनी खतरनाक तरह से, मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। आप लोग खुद देखो यार, मैं इसकी तारीफ़ वगैरह कुछ नहीं कर रहा, आप खुद देखो कितनी स्मूथ, कितनी क्या ही बोलूँ, इतनी मक्खन की तरह चढ़े जा रही है ये भाई। देख ही सकते हो यार कि इतना ज़्यादा स्मूथ चल रहा है ना। मैं इसके साथ गए से भी रिवर क्रॉसिंग भी करूँगा आई थिंक। इसमें ये इस रिवर क्रॉसिंग में जो मैं करने वाला हूँ वो थोड़ा सा इसके लिए टफ होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हो भाई क्या ही बोलूँ मैं इस भाई, इस गाड़ी के सामने मैं तो मान गया भाई। भाई फॉर्चुनर भी इसके सामने फेल है, ये देखो भाई। और गाइस मैं सोच रहा हूँ पोर्शे और फॉर्चुनर का ड्रैग रेस करते हैं, तो आप लोग बताओ क्या मतलब मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ही देना भाई, वो तो मेन है, उसको भूलना नहीं है हमें। देखो भाई कितनी स्मूथ तरह से चढ़ते हुए, और मैं कुछ शब्दों में इसको कि नहीं बता सकता यार, मैं क्या बताऊँ, इतनी स्मूथ गाड़ी मैंने पहली बार देखी है। क्या है ये, सेडान है आई थिंक, सुपर कार बोल लो, सुपर कार में भाई इतनी स्मूथ, क्या बोलूँ मैं इसको। और लो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं और देख ही सकते हो जैसा कि फाइनली हम लोग टॉप पे पहुँच चुके हैं। बस भाई रुक जा बस, ये देखो गाइस ये टॉप है माउंट चिलियार्ड का। और गाइस अब मैं सोच रहा हूँ इसको लेके चलते हैं हम वाटर क्रॉसिंग, मतलब रिवर क्रॉसिंग पे भी हम लोग गाइस इसको लेके चलेंगे और उधर देखेंगे क्या परफॉर्मेंस है इसकी। ओके गाइस मैं इसको रिवर क्रॉसिंग पे लेके आ चुका हूँ भाई, देख सकते हो रिवर कितनी ज़्यादा है, मतलब कितनी तेज़ रफ्तार से नदी बह रही है। तो अभी गाइस हम लोग मतलब इसको क्रॉस करेंगे, और भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो चलो सिंपली अभी हम लोग क्रॉस करते, क्या सीन है। चलो गाइस ये देखो भाई कितनी स्मूथ तरह से यार क्रॉस कर लिया, इसके लिए तो कुछ पता ही नहीं चला। अब क्या करूँ मैं, अब एक बार वापस क्रॉस करता हूँ, क्या पता रुक जाए भाई। बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ तरह से ये निकल चुकी है। अब क्या करूँ यार,
अब मैं सोच रहा हूँ उसको पानी में ड्राइव करने का। देखो भाई इस तरह मैं सोच रहा हूँ इसको ड्राइव करने का। लिटरली भाई ये तो क्या ही बोलूँ मैं, ये तो कुछ उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो पानी के ऊपर चल रही है आई थिंक। एक सेकेंड गाइस, मुझे लगता है इंजन बंद हो चुका है और देख सकते हो जैसे कि इंजन हमारी गाड़ी का बंद हो चुका है। सो अभी अब क्या करना है, अब तो मुझे बाद में मतलब अब तो JCB वगैरह बुलवा के मैकेनिक वगैरह करवा के सब देखना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक बार न्यू वीडियो साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।